हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग स्टील कास्ट के करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्टील कास्ट का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में आप यहां पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस पिछले एक साल से लगातार एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है और ये चैनल है एक बुल चैनल। तो यहां पे कंपनी का शेयर प्राइस जब भी इस ऊपर बुल चैनल के आसपास आता है तब यहां से ये रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद नीचे जाने की कोशिश करता है और नीचे के चैनल के आसपास जब आता है तब ये एक सपोर्ट को फेस करके ऊपर जाने की कोशिश करता है। और करंट सिचुएशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस कुछ महीनों पहले ऊपर इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद नीचे आने की कोशिश किया है और नीचे सपोर्ट को टच करने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया है, फिर ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया है और अभी एक माइको चैनल के द्वारा ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ से इसने एक बुल ट्रेंड को स्टार्ट किया है और कुछ देर ऊपर जाने के बाद ये यहाँ से थोड़ा पुल बैक किया है। तो यहाँ पे इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे करेंटली हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कंपनी के शेयर प्राइस बहुत दिनों से लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर है और ये ट्रेंड एक चैनल का ट्रेंड है। तो चैनल के अंदर एक्चुअली मल्टीपल स्पाइक का फॉर्मेशन होता है। जनरली अगर कोई बुल वेज होता है या बेयर वेज होता है तो वो जनरली 3 स्पाइक के अंदर खत्म हो जाता है, मगर जब भी कोई ट्रेंड एक चैनल के थ्रू मूव करता है तब वो मल्टीपल स्पाइक फॉर्म कर सकता है, जैसे कि 3 स्पाइक में वो खत्म नहीं भी हो सकता है और जनरली ये होता भी नहीं है। तो यहाँ पे एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जब ये इसके सपोर्ट तक आ गया है तो यहाँ पे अच्छा खासा बाय पॉइंट था, तो यहाँ पे भी आप खरीद सकते थे। उसके बाद जब इसने यहाँ पे डबल बॉटम को क्रिएट किया, यहाँ पे भी आप खरीद सकते थे और करेंटली यहाँ पे इसने देखिए ट्रिपल बॉटम भी क्रिएट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपका खरीदने का अच्छा प्रोबेबिलिटी था। और यहाँ पे अभी भी और एक अच्छा प्रोबेबिलिटी आपको मिल सकता है क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस करेंटली यहाँ पे पुल बैक कर रहा है और इसके हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस मुझे लगता है और थोड़ा यहाँ पे गिरना चाहिए। तो 470 के आसपास इस कंपनी के शेयर को आप खरीद सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो फिनेंशियल्स है वो इसे सपोर्ट करता है। और स्विंग ट्रेडिंग के केस में मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि जब भी किसी भी कंपनी का फिनेंशियल्स उसको सपोर्ट करता है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट उसका बढ़िया होता है, तब उसका शेयर प्राइस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी और भी अच्छा खासा बन जाता है। तो जून 2020 से आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू लगातार एक अप ट्रेंड के अंदर है और उसके साथ साथ कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है और उसके साथ साथ कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी जो लोन वगैरह है वो कंपनी अच्छे तरीके से घटा रहा है, जो और एक पॉजिटिव बात है यहाँ पे नेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे बढ़िया है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर एनुअल रिजल्ट को देखें तो 2016 के बाद से कंपनी का जो एनुअल रिजल्ट है वो अच्छा खासा रहा है। हालांकि बीच बीच में कुछ सालों में यहाँ पे गैप हो गया था, जैसे कि यहाँ पे कोरोना के टाइम पे मार्च 2021 और 2020 के आसपास, मगर उसके बाद से मार्च 2022 में इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में भी इसने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पे अगर रेवेन्यू का सीएजीआर देखें तो 17.6% है ओवर द 5 ईयर्स, तो ये भी एक अच्छा खासा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 5 साल में 20% के आसपास ग्रो किया है। हालांकि 3 साल के अंदर इसने ज्यादा ग्रो कर नहीं पाया है, मगर ये भी एक ओवरऑल अच्छा खासा नंबर है। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ग्रो कर रहा है, जो कंपनी के शेयर प्राइस को ग्रो करवाने के लिए और एक पॉजिटिव बात है यहाँ पे। और उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट को यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी अच्छे तरीके से बढ़ा पा रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा बात है। और यहाँ पे और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंपनी का आरओई और आरओसी, यहाँ पे आरओई और आरओसी पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं सीएजीआर 39.6% के हिसाब से बढ़ा है और करेंट ईयर में 21.25% इसका आरओई है, जो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ा है और उसके साथ साथ आरओसी भी इसका अच्छा खासा है। तो ओवरऑल फिनेंशियल्स का पोजीशन कंपनी का बढ़िया है और करेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ये अच्छा कर रहा है। और अच्छे फिनेंशियल के साथ साथ कंपनी का जो टेक्निकल है वो भी अभी सपोर्टिव है, तो 470 के आसपास कंपनी का शेयर आपको मिल सकता है। आप थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हैं,
तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये ऊपर ट्रेंड लाइन आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं और यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हैं। और इस पॉइंट के बाद अगर आप शेयर को और थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो ये वाला ट्रेंड लाइन आपका हो जाएगा। तो नीचे अगर सपोर्ट को देखें तो फर्स्ट सपोर्ट आपका तो ये वाला ट्रेंड लाइन हो जाएगा, सेकेंड सपोर्ट आपको मिल जाएगा 455 के आसपास और थर्ड जो सपोर्ट आपको मिलेगा ये जो स्विंग पॉइंट है इसके नीचे। और इसके हिसाब से मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा, आपका जो स्टॉप लॉस है आप 455 के थोड़ा नीचे यानी 448 के आसपास आप रख सकते हैं और आपका जो टेक प्रॉफिट है आप फर्स्ट यहाँ पे 60% तक ले सकते हैं, उसके बाद 40% के आसपास आप होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट इस पॉइंट के लिए। और अगर यहाँ से बैक आता है तब यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं अगर कोई स्ट्रॉन्ग शॉर्ट का सिग्नल या कोई बेयर सिग्नल आपको मिलता है। इस चार्ट का भी कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा तो वहां पे जाके आप इस चार्ट के एनालिसिस को डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा बात यही है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो आप 470 के लेवल के आसपास आप खरीद सकते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं जब तक आपको कोई मेजर रिवर्सल ना दिखे। और हाल ही के कंपनी का रिजल्ट अगर इस तरीके से प्रोड्यूस होता रहा तो अगले आने वाले टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस और भी अच्छा खासा हम लोगों को रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आप ट्रैक करते रहिए, यही आपको बेनिफिट देगा आपके स्विंग ट्रेडिंग के अंदर और आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप मुझसे चाहते हैं किसी और कंपनी के बारे में तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, क्योंकि अगर कोई अचानक अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो टेलीग्राम चैनल पे ही फर्स्ट उसका अपडेट आता है क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।